वेलकम बैक गाइस आज के वीडियो में हम ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न और फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड में कंपनी और इंडस्ट्री से रिलेटेड करंट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड एक मुंबई बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की शुरुआत नाइनटीन में हुई तब यह मुंबई पोर्ट में कार्गो हैंडलिंग का काम करती थी

कंपनी आगे भी अपना एक्सपेंशन करते रही और 2005 में कंपनी ने इसीयू लाइन एंटवर्प का अधिग्रहण किया 10 साल पहले उन्नीस में ऑल में ऑलकार्गो इसी कंपनी की एजेंट हुआ करती थी और 2005 में कंपनी ने इसी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया हालांकि यह अधिग्रहण एक बार में नहीं हुआ जून 2005 में ऑल में ऑलकार्गो ने इसीयू लाइन में थर्टी स्टेक एक्वायर किया जिसे कुछ महीनों बाद बढ़ाकर फोर्टी कर दिया गया और फाइनली जून 2006 छह में ऑलकारगो ने ईसीयू लाइन का 100 परसेंट ओनरशिप हासिल कर लिया इसके अलावा 2005 में ही ऑलकार्गो ने हांगकॉन्ग बेस्ड दो कंपनियों का एक्विजिशन किया जो कि एनवीओसीसी सेगमेंट में ही काम करती थी और इन एक्विजिशन की वजह से फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड के एंड तक ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स एनवीओ सेगमेंट में वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों में से एक बन गई फिर 2006 हजार छह में ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स का आईपीओ आया और ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई और दिसंबर 2006 में ही ऑल कार्गो ने हिंदुस्तान कार्गो लिमिटेड जो कि थॉमस कुक की सब्सिडरी कंपनी थी उसका एक्विजिशन किया हिंदुस्तान कार्गो लिमिटेड मेनली एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग और कस्टम क्लीयरेंस जैसे सेगमेंट में काम करती थी 2007 में कंपनी ने अपने दो नए कंटेनर फ्रेट स्टेशन स्टार्ट किए चेन्नई और मुंद्रा में इसके बाद 2008 में ब्लैकस्टोन जो कि न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म है उन्होंने ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में 60 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया इस इन्वेस्टमेंट के बदले ऑल कार्गो ने ब्लैकस्टोन को इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स और वारंट्स इशू किए उस वक्त के हिसाब से किसी फॉरन एंटिटी का इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी में यह बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था फिर टू में कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन स्टार्ट किया और इसी दौरान ब्लैकस्टोन स्टोन ने ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स में अपना स्टेक इंक्रीज किया 2010 ऑलकार्गो ने क्यू आई पी के थ्रू किया और हॉन्गकॉन्ग की दो कंपनीज का एक्विजिशन किया और 2010 में ही ऑलकार्गो ने लंडन बेस्ड एस एच ई मैरिटाइम कंपनी का भी अधिग्रहण किया 2011 हजार ग्यारह में ऑलकार्गो ने कॉनकॉर्ड लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर में दादरी में इनलैंड कंटेनर डिपो स्टार्ट किया और 2011 में ही ऑलकार्गो ने एक मुंबई बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी का एक्विजिशन किया 2011 में ऑलकार्गो ने अपना रिब्रांडिंग किया और बिजनेस को और स्ट्रक्चर्ड करने के लिए अपने पेरेंट कंपनी अवश्य ग्रुप का फॉर्मेशन किया 2012 में ऑलकार्गो ने मुंबई के जे पोर्ट में अपना सेकेंड कंटेनर फ्लाइट स्टेशन स्टार्ट किया फिर 2013 में एक यूएस बेस्ड और एक रोटनडैम बेस्ड कंपनी का टेकओवर किया 2016 में ऑल कार्गो की सब्सिडरी ईसीयू लाइन का नाम चेंज करके ईसीयू वर्ल्ड वाइड कर दिया गया और अवश्य सीसीआई के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स में अपना एक्सपेंशन करने लगी 2018 में ऑल कार्गो लिमिटेड अपनी सब्सिडरी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क में एंटर की ताकि वर्ल्ड क्लास वेयर हाउसिंग प्रोवाइड कर सके 2019 में कंपनी का 25 इयर्स कंप्लीट हुआ और कंपनी ने झाझर में अपना लॉजिस्टिक पार्क लॉन्च किया फिर 2019 में ही कंपनी ने एक हांगकांग बेस्ड और एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी का एक्विजिशन किया फिर 2020 में ऑलकार्गो ने गति लिमिटेड जो कि एक लिस्टेड लॉजिस्टिक कंपनी है में स्ट्रेटर्जिक स्टेक एक्वायर किया एट द मोमेंट ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स गति लिमिटेड की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है विथ क्लोज टू फोर्टी होल्डिंग प्रेजेंटली ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलसीएल कंसॉलिडेटर है और इनका 160 कंट्रीज में 300 से ज्यादा ऑफिसर है ऑलकार्गो के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करती है और इनका मेन बिजनेस है एनवीओ या एम इसमें कंपनी एल और एफ का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एयर फ्राइट मल्टी सिटी कंसोलिडेशन जैसे काम करती है एफ सी एल मीन्स फुल कंटेनर लोड FCL में कंटेनर का पूरा सामान किसी एक ही ओनर का होता है और एल सी एल मीन लेस देन कंटेनर लोड एलसीएल में एक कंटेनर में डिफरेंट ओनर्स के सामान हो सकते हैं सेकेंड सेगमेंट है कंटेनर फ्राइट स्टेशन एंड इनलैंड कंटेनर डिपो इस सेगमेंट में कंपनी कार्गो का हैंडलिंग कस्टम क्लियरेंस और इससे रिलेटेड दूसरे काम करती है प्रेजेंटली ऑल कार्गो के इंडिया में पांच और नेपाल में दो कंटेनर फ्राइट स्टेशन हैं एम और सी सेगमेंट से कंपनी का तकरीबन नाइन्टी रेवेन्यू जनरेट होता है थर्ड सेगमेंट है कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स इस सेगमेंट में ऑल कार्गो अपने क्लाइंट के लिए एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम करती है विच इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट पेमेंट कलेक्शन एटसेट्रा फोर्थ सेगमेंट है ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स इसमें ऑल कार्गो वेरियस ई कॉमर्स कंपनीज के प्रोडक्ट्स का डिलीवरी का काम करती है नेक्स्ट सेगमेंट है प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स इस सेगमेंट में ऑल कार्गो ओवर डायमेंशनल एंड ओवर वेट कार्गो के लिए लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेस प्रोवाइड करती है नेक्स्ट सेगमेंट है लॉजिस्टिक पार्क इसमें कंपनी अपने क्लाइंट्स को वेयर हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है प्रेजेंटली ऑल कार्गो का इंडिया के डिफरेंट लोकेशन में फोर्टीन वेयर हाउसेस है नेक्स्ट सेगमेंट है एयर फ्राइट एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सोल्यूशन जब क्लाइंट के ऐसे शिपमेंट्स हों जिनमें मल्टीपल लॉजिस्टिक सर्विसेज लगे जैसे कि एयर फ्राइट ओशन फ्राइट रोड ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर फ्राइट स्टेशन वेयरहाउस मैनेजमेंट एक्सेट्रा तो इन क्लाइंट्स को उनके स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंगली ऑल कार्गो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इस तरह से क्लाइंट को अलग अलग ट्रांसपोर्टर से डील नहीं करना पड़ता और ऑल कार्गो अपने क्लाइंट को वन पॉइंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जिससे क्लाइंट का टाइम और कॉस्ट दोनों ही बचता है एंड लास्ट सेगमेंट है क्रेन रेंटल सेगमेंट सेगमेंट इस segment में ऑल कार्गो कंस्ट्रक्शन इंफ्रा और पावर कंपनीज को क्रेन रेंटल इक्विपमेंट रेंटल मेंटेनेंस और टेक्निकल एक्सपर्टीज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑल कार्गो के पास 800 से ज्यादा क्रेन ट्रेलर फॉकलिफ्ट ब्रिजेस जैसे मशीनरीज हैं अब कंपनी के मैनेजमेंट टीम की बात करें तो ऑल कार्गो के चेयरमैन है मिस्टर शशि किरण शेट्टी और ज्वाइंट एमडी है मिस्टर आदर्श हेगड़े एंड प्रेजेंटली कंपनी में साढ़े चार हजार से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं कंपनी के डिटेल्स जानने के बाद अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस का इसका 52 वीक हाई है वन ट्वेंटी और इसका 52 वीक लो है फोर्टी एट इसका मार्केट कैप है अप्रोक्स 2000 करोड़ और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है इसका बुक वैल्यू है एट्टी और इसका प्राइस टू तो बुक वैल्यू एक से कम है यानी कि कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है स्टॉक का पीई रेशियो अप्रोक्स एट है जबकि इंडस्ट्री पी नाइन का है 2015 से 2018 एंड तक ऑल कार्गो फिफ्टीन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर ही ट्रेड किया करती थी कंपनी का आर ओ साढ़े ग्यारह परसेंट का है और आर ओ पौने तेरह परसेंट है जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से एवरेज है हालांकि पिछले कई सालों से कंपनी का आर और आर इन्हीं लेवल्स पे रहा है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 है जो कि मैनेजेबल है और कंपनी का डिविडेंड यील्ड एप्रोक्स 3.7 परसेंट है कंपनी पिछले कई सालों से रेगुलरली डिविडेंड दे रही है और रिसेंट डिविडेंड मार्च में डिक्लेयर किया गया है अब कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार कंपनी के प्रमोटर्स के पास तकरीबन सेवेंटी की हिस्सेदारी है और प्रमोटर होल्डिंग में कुछ भी प्लेज नहीं है प्रमोटर्स के अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का कंपनी में 13% म्यूचुअल फंड्स का 3.64% और बॉडीज कॉर्पोरेट का 1.5% होल्डिंग है और 7.14% होल्डिंग छोटे रिटेल निवेशकों के पास है और एप्रोक्स 3% शेयर्स बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ऑलकार्गो का क्वार्टर फोर यानी कि मार्च 2020 का रिजल्ट अब तक नहीं आया है इसलिए हम दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट का ही एनालिसिस करेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे दिसंबर 2019 क्वार्टर में सेल्स थोड़ा डाउन था और एक्सपेंसेस भी थोड़ा डाउन था जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइव करोड़ डाउन रहा फिर दिसंबर क्वार्टर में अदर इनकम हाई था और इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन भी हाई था जिस वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ा बढ़ गया बट सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में टैक्स डिफ्रेंस के वजह से नेट प्रॉफिट और ईपीएस क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम लग रहा है ओवरऑल ऑल कार्गो का क्वार्टरली नंबर्स ठीक है क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि पिछले कई क्वार्टर से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80 करोड़ के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा है अब मार्च क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वार्टरली रिजल्ट के बाद हम जनरली एनुअल रिजल्ट चेक करते हैं बट क्योंकि अब तक मार्च क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया है इसलिए एनुअल बेसिस पे 2019 का रिजल्ट चेक करने का कोई लॉजिक नहीं है इसलिए हम नाइन मंथली फाइनेंशियल नंबर को चेक करते हैं इसके लिए मैं कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ और स्टेटमेंट के सिर्फ उन्हीं पोर्शंस को इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं नाइन मंथली रिजल्ट में टोटल इनकम सिक्स परसेंट अप रहा एक्सपेंसेस कॉलम में ज्यादातर एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए जिस वजह से टोटल एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुआ 2019 में कंपनी को वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम प्रॉफिट हुआ जिस वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6% परसेंट अप रहा फिर टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ईपीएस 7.5% परसेंट अप रहा ओवरऑल नाइन मंथली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है अब कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का रिजर्व पोजिशन काफी अच्छा है और ये दो से इंक्रीज हो रहा है प्रेजेंटली कंपनी के पास 2000 करोड़ से ज्यादा का रिजर्व है कंपनी का बोरोइंग लास्ट कुछ इयर्स में इंक्रीज हुआ है बैलेंस शीट में 824 करोड़ का डेट शो हो रहा है बट ये सितंबर 2019 क्वार्टर के अनुसार है रिसेंट न्यूज रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का डेट और बढ़ गया है और प्रेजेंटली कंपनी पर एक करोड़ का डेट है ये डेट गति लिमिटेड के शेयर्स एक्वायर करने और वेयरहाउस बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए लिया गया है कंपनी इस डेट को आगे कैसे मैनेज करने वाली है इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कंपनी का अदर लाइबिलिटीज हाई है जिसमें से मैक्सिमम ट्रेड पेबल्स और अदर लाइबिलिटीज आइटम्स के वजह से है जो कि चिंता की बात नहीं है कंपनी का 1823 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स है और कंपनी के पास 2200 करोड़ के अदर एसेट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर हिस्सा ट्रेड रिसीवेबल्स और अदर एसेट आइटम्स की वजह से है ओवरऑल ऑलकार्गो का बैलेंस शीट ठीक है और मुझे इसमें कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है अब कंपनी और इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में जान लेते हैं प्रेजेंटली ऑलकार्गो लिमिटेड का यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैक के साथ डील चल रहा है और ऑलकार्गो अपने वेयर हाउसिंग बिजनेस का 90 परसेंट स्टेक ब्लैक को 1400 करोड़ में बेचेगी जिसमें से 380 करोड़ का पेमेंट किया जा चुका है और इस डील को दिसंबर 2020 तक कंप्लीट हो जाने की संभावना है ये डील हो जाने के बाद ऑलकार्गो इस पैसे को अपने डेट पे करने में लगाएगी और मैनेजमेंट के अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंपनी एक डेट फ्री कंपनी बन जाएगी इस डील के बाद वेयर हाउसिंग बिजनेस का कंट्रोलिंग स्टेक ब्लैक के पास चला जाएगा बट ऑलकार्गो ही इस बिजनेस को आगे भी मैनेज और रन करेगी वेयरहाउसिंग बिजनेस से कार्गो अपने रेवेन्यू का एक परसेंट से भी कम जनरेट कर रही थी तो इस बिजनेस के चले जाने से आगे जाकर कार्गो के रेवेन्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑलकार्गो ने इन हाउसेस को डेवलप करने में एक हजार करोड़ इन्वेस्ट किए थे और अब इस बिजनेस का नाइन्टी परसेंट फोर्टीन हंड्रेड करोड़ में सेल कर रहे हैं तो इस डील में कार्गो का बेनिफिट ही हो रहा है जून के फर्स्ट वीक में कंपनी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और यह बताया कि लॉकडाउन के वजह से कंपनी के इक्विपमेंट बिजनेस को काफी असर पड़ा है बट कंपनी का एम और सी सेगमेंट जो की कंपनी का नाइन्टी रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसपे लॉकडाउन का ज्यादा असर नहीं पड़ा है तो गाइस एनालिसिस के एंड में मैं कार्गो लिमिटेड के कुछ ऐसे पॉइंट्स रख रहा हूं जो कि मुझे पसंद नहीं आए फर्स्ट ये है कि कंपनी का अब तक क्वार्टर फोर का रिजल्ट नहीं आया है और ना ही कंपनी ने रिजल्ट डेट डिक्लेयर किया है ये थोड़ा डिस्करेजिंग है सेकेंड यह है कि ऑलकार्गो के वन से ज्यादा सब्सिडरीज और एसोसिएट्स हैं हालांकि कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए हमेशा से ही छोटी कंपनीज का एक्विजिशन करती आई है बट स्टिल इतने हाई नंबर ऑफ सब्सिडरीज इज अ मैटर ऑफ कंसर्न थर्ड इशू यह है कि अप्रैल से अब तक शेयर प्राइस फिफ्टी रुपीज से एट्टी रुपीज पर आ गया है इट मीन कि शेयर ने लास्ट थ्री मंथ्स में सिक्सटी परसेंट का रिटर्न दिया है अब क्योंकि शेयर ने पहले ही इतना हाई रिटर्न दे दिया है और प्रेजेंटली मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर का प्राइस थोड़ा नीचे जाए तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एट द मोमेंट मैं क्वार्टरली रिजल्ट का वेट करूंगा और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का फाइनल डिसीजन लूंगा ये मेरी तरफ से आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लें आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को अपने दूसरे इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय